हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बढ़िया ही रहना। तो भाई आज मैं आपको बात करने वाला हूँ जो हमारा ही डाइकन का एसी है उसके एरर कोड के बारे में। तो ये जो हमारा एरर वो है C4, वो क्या है, हीटिंग एक्सचेंज जो हमारा वाल्व वगैरह होता है उसके ऊपर सेंसर लगा होता है। जैसे डिस्प्ले में आप देख रहे हो, ये हमारा हीट एक्सचेंजर वाल्व होता है जो हमारे जो इनडोर टू आउटडोर जो हमारा कन्वर्टर होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए, तो इसे हम फोर वे वाल्व भी बोलते हैं। तो इसमें जो सेंसर लगा होता है या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है या सेंसर उसका ख़राब हो गया है जो उसको सेंस करता है, वो अगर डिफेक्टिव हो सेंसर, इसका हीटिंग एक्सचेंज वाल्व का जो हमारा सेंसर है अगर वो डिफेक्टिव हो, वो काम नहीं कर रहा है या फिर हीट एक्सचेंजर अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये एरर शो हमारा करेगा C4। तो C4 हमारा तभी एरर शो करता है जब हमारा हीटिंग एक्सचेंजर जो हमारा वाल्व है वो अगर डिफेक्टिव हो या फिर वो ख़राब हो तो हमारा एरर शो करेगा C4। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ डाइकन के, जो हमारे डाइकन के एरर कोड है उनकी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी टोटल। तो भाई जल्दी जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ तो आपको टोटल पूरी एरर। और वैसे भी मैं हीटिंग एक्सचेंज जो हमारा ये वाल्व है इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आई बटन में जरूर लिंक आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी देखो यार वीडियो भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।